हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों एमएट एंट्रेंस एग्जाम्स जो 2023 में क्वेश्चन पेपर हुआ था अवध यूनिवर्सिटी की बात करें। दोस्तों इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 2023 में हुए क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। फ्रॉम 1 to 100 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इस वीडियो में आप देख लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इसमें हम क्या करेंगे, 101 से 200 तक के सॉल्व करेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और 100 क्वेश्चन आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना आपका कीमती समय ज़ाया किए हुए, वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 101 और हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका 101 क्वेश्चन नंबर क्या है। फिर उसके बाद देखिए 100 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 101 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, द क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ से आपका एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। ये किसने कहा था कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा था दोस्तों? जॉन डीवी ने कहा था, कुक ने कहा था, मेकावर या फिर मैक्स वेबर ने कहा था। देखिए जब अगर आप अवध यूनिवर्सिटी के हैं और आपने बीएड में पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे जब आप सामाजिक वो पढ़ रहे थे ना, समाजशास्त्र पढ़ रहे थे, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान, तो उसमें आपने पढ़ा होगा मेकावर एंड पेज करके डेफिनेशन इन्होंने दिया होगा कि सोसाइटी क्या है भाई, नेटवर्क करके लिखा होगा कि द सोसाइटी इज़ द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन, यानी कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसका सही आंसर अगर आपको लगता है कि मेकावर एंड पेज है तो बिल्कुल आप सही हैं। द करेक्ट आंसर इज मेकावर एंड पेज। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर थोड़ी सी क्वालिटी हो इश्यूज़ तो प्लीज़ कोऑपरेट, और थोड़ी सी मैं भी बहुत गर्मी में बना रहा हूँ वीडियोज़ को, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? ये अच्छा सवाल है और इनसे एक या दो सवाल तो पूछे ही पूछे जाते हैं। हु हैज़ डिस्क्राइब स्कूल एज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, समाज का लघु रूप विद्यालय है, किसने कहा था? जॉर्ज पेन ने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था, कोल ने कहा था, मुरे ने कहा था। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दूँ, ये वही महोदय है जिन्होंने शिक्षा को ट्राईपोलर कहा था, थ्री डायमेंशनल कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों? अगर आपको लगता है जॉन डीवी तो बिल्कुल सही जवाब है, जॉन डीवी ने कहा था। सामाजिक परिवर्तन किस में परिवर्तन है, मतलब अगर आप मानते हैं कि समाज परिवर्तन हो गया तो किस में परिवर्तन को आप सामाजिक परिवर्तन मानते हैं? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन या उपलब्धियों में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन, सभ्यता में परिवर्तन? जब सामाजिक परिवर्तन की बात की जाएगी दोस्तों तो आपके सोशल रिलेशंस की परिवर्तन को ही आप लोग को लगता है सामाजिक संबंध। बिल्कुल सही जवाब है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, देखिए सामाजिक परिवर्तन क्या है, अब मैं आपसे पूछूं, देखिए समाज तो परिवर्तन आपका भी सर परिवर्तन संस्कार का नियम है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन है क्या? एक निश्चित तथ्य, निश्चित तथ्य का मतलब कोई चीज़ समाज बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, इतने वर्षों के बाद बदलेगा। तो एक निश्चित तथ्य तो नहीं हो सकता कि मतलब बदलेगा ही बदलेगा, इतने समय के बाद ही बदलेगा। अनिश्चित तथ्य ये भी नहीं है कि बदलेगा ही नहीं, अनिश्चित भी नहीं है। अनुमानित तथ्य है या काल्पनिक तथ्य है? तो एक अनुमानित तथ्य आप मान सकते हैं दोस्तों, एक अनुमानित तथ्य आप मान सकते हैं कि अनुमानित तथ्य है, एक क्या है भाई, इनफेरेंट फैक्ट्स है कि समाज परिवर्तन होगा, सोशल चेंज होगा। ठीक है, चलिए ये अच्छा सवाल है। ठीक है, इस जगत में शक्तिशाली की ही जीत होती है, जो शक्तिशाली है, ओनली द माइटी विंस इन दिस इन हिज वर्ल्ड, तो कौन जीतता है भाई? किसने कहा था? डार्विन ने कहा था, स्मिथ ने कहा था, दिनकर ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ से मुझे हिटलर की कोट्स याद आ रही है, हिटलर्स की कोट्स, उन्होंने कहा था कि देखो हार को तो सब कोई सह लेता है लेकिन जो सॉरी जीत को तो सब कोई सह लेता है लेकिन जो हार को सह वही बहादुर होता है, ये हिटलर ने कहा था। फिलहाल इस जगत में शक्तिशाली की जीत होती है, यह बात किसने कहा था? तो अगर आप मानते हैं कि यह बात डार्विन ने कहा था तो बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि यह बात सच में डार्विन ने ही कहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, धर्म के 10 लक्षण किसने बताए हैं? अच्छा, धर्म के 10 लक्षण किसने बताए हैं? तो बाकायदा आपके एक हिंदू ग्रंथ है, मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि आंसर यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाएगा, मनु यकलव्य श्री कृष्ण या भारद्वाज। तो मनुस्मृति दोस्तों इसका सही जवाब होगा, और मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसमें 10 लक्षण बताए गए हैं कि इंसान को इसको फॉलो करना चाहिए, इसको फॉलो करेगा तो इंसान आगे बढ़ेगा। उन 10 लक्षणों में मुझे जहाँ से याद आ रही, एक धैर्य है, एक चोरी ना करना है, एक पवित्र रहना है, एक शौच मतलब पवित्र रहना मन से भी आत्मा से भी, और साहस है, ऐसे 10 पॉइंट से मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, वो पूरा संस्कृत का श्लोक है मनुस्मृति का, तो मनु इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आइए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित हुआ था, नेशनल लिटरेसी मिशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1950 में, 1988 में, 1956 में, 1975 में?
तो कब 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 दोस्तों यहाँ पे शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको यूनिवर्सिटी बताती है 1988 में यहाँ पे किया गया था, करेक्ट। चलिए, सामाजिक वंचन सर्वाधिक था, मतलब डिस्क्रिमिनेट, सोशल डिस्क्रिमिनेट कहाँ पे किया गया, डेप्रिवेशन कहाँ पे किया गया, मतलब एक दूसरे से भेदभाव, वंचन, एक समाज को रोक के रखना, एक समाज को, ये कब था? वैदिक काल में था या फिर उपनिषद काल में था, बौद्ध काल में था या ब्रिटिश काल में था? तो ये वही हैं जो लिखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो ब्रिटिश काल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 1958 में महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति बताई गई, विच कमेटी वॉज रिलेटेड टू द वुमेंस एजुकेशन इन 1958? दोस्तों याद कर लीजिएगा, एक दो सवाल तो आपको कमेटी से पूछेगा ही पूछेगा कि माध्यमिक शिक्षा समिति किसे कहते हैं। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा समिति को किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है, अगर आपको याद आ रहा है मुदालियर आयोग तो बहुत अच्छा आपको याद आ रहा है, उस नाम से भी पुकारा जाता है, 1952 की बात की जाएगी। इसी तरह से दोस्तों कोठारी समिति किसे कहा जाता है, और दुर्गाबाई देशमुख समिति, हंसा मेहता समिति, इन सब के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक सवाल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि महिला सशक्ति के कारण 1958 में जो बनाया गया था वो था दोस्तों दुर्गाबाई देशमुख समिति, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय भावना का विकास करने में कौन सा सर्वोत्तम साधन है, विच इज़ द बेस्ट टूल इन द डेवलपिंग नेशनल स्पिरिट? राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए सबसे बेहतरीन क्या है भाई? परिवार है, नो डाउट है, शिक्षा है, समाज है, धर्म है, लेकिन सबसे बात बेस्ट टूल की बात की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, बिना किसी डाउट के शिक्षा हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। चलिए, मनोविज्ञान निम्न में से कौन सा विज्ञान है? देखिए, मनोविज्ञान निम्न में से कौन सा विज्ञान है, पहली बात तो एक साइंस है, एक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, मानव शास्त्र, नीति शास्त्र या धर्म शास्त्र? तो साइंस की बात है, कौन सा विज्ञान है दोस्तों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि सामाजिक विज्ञान है तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि वास्तव में आंसर यही होगा। नेक्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई विश। मनोविज्ञान अध्ययन में किस पद्धति में अपनाया जाता है, मतलब मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक दर्शन है, विज्ञान है, कलात्मक है, सृजनात्मक है। तो जब विज्ञान हो तो आपको पता है कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है, ठीक है, तो एक साइंटिफिक स्टडी है, यानी कि क्या है भाई, साइंस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए किसी को, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था, Who has called the childhood as the unique period of life? किसने कहा था, क्रो एंड क्रो, सिम्पसन, फ्रायड ने या कोल एंड ब्रूस ने कहा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब अगर आपको लगता है कि कोल एंड ब्रूस ने कहा था तो जी हाँ, परफेक्ट, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए, बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है, मतलब कह रहा है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कब होता है? देखिए, जो बच्चा बिल्कुल बच्चा होता है ना, तो उसके बारे में इतना जानकारी नहीं होता, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उस समय वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसके माइंड का डेवलप होता है, वो पहचानने लगता है कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन क्या है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो बिना किसी डाउट के दोस्तों शैशवावस्था, सीटेट का एक आसान सा सवाल है जो कि हर साल पूछता है। अगला सवाल देख लीजिए, आई होप कि बहुत जल्दी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादन थे, इनसाइट थ्योरी किसने दिया था? याद करिए, किसी ने चिंपैंजी को लगाया था और केला और वो डंडा देख के उसने कराया था, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, स्किनर या पावलोव? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका कोहलबर्ग। इनसाइट थ्योरी किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था, बहुत अच्छा। हाँ जी, गैने ने वर्ष 1965 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ दिया कि गैने ने कौन सी बुक लिखी थी, इसको थोड़ा सा याद करने वाली बात हो जाएगी। तो सीखने की स्थिति, सीखने के लक्षण, पशु शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो गैने ने जो किताब लिखी थी दोस्तों, सीखने की स्थिति लिखी थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग लिखी थी, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, यहाँ से एक सवाल आपसे पूछता है कि सीख, देखिए, लर्निंग जो है एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड, मतलब सीखना जो है आपका आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है, ये बात किसने कहा था? गेट्स ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने, गार्डनर ने या गाल्टन ने? पहले आप इसका सही जवाब दीजिए, मैं उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ। अब इस बार के लिए आप एक सवाल ये हमेशा याद कर दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड, एक सवाल ये भी पूछता है कि द लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब आपके आपके व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये वाला भी सवाल अच्छा है, ठीक है, पूछता है। तो पहले इसका देख लेते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी दोस्तों क्रो एंड क्रो ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था। और जो मैं कह रहा था कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, दोस्तों मॉडिफिकेशन के बारे में किसने कहा था? मॉडिफिकेशंस के बारे में दोस्तों आपके गेट्स ने कहा था, गेट्स ने, याद रखिएगा,
हो सकता है सवाल मतलब पूछता है आपका इस तरीके सवाल आपसे पूछता है। चलिए हाँ जी, अब देखिए अगला सवाल बहुत ही आसान है। मतलब कोई बच्चा विशिष्ट है, मतलब स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड है, मतलब किससे रिलेटेड है, उसकी मेंटल आईक्यू लेवल से, निष्पत्ति से, परफॉर्मेंस से, आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से। तो हालांकि आपका परफॉर्मेंस लेवल भी होगा, लेकिन यहाँ पे आईक्यू लेवल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धि स्तर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, हाँ जी। विभिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी, हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरिएशन, ये किसने करी थी दोस्तों। ये थोड़ा सा फिर से कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखिए ये ऐसा सवाल है कि ये आप दिमाग लगा के नहीं कर सकते, अगर पढ़ा है याद है तभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो टर्मन ने, स्कीनर ने, गाल्टन ने या फिर सैनेल ने कहा था, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गाल्टन। देखिए जो नहीं आ रहा है ना आप उसको एक बार लिख लीजिए, लिख लेंगे हो सकता है रिपीट हो जाए सवाल, लेकिन कम से कम ध्यान में तो आपके रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में किया जाता है, विच एरियाज द मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज मेनली डन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किन किन एरिया में नापा जाता है, किन किन एरिया में चेक किया जाता है। शारीरिक क्षेत्र में डेफिनेटली दोस्तों, शारीरिक क्षेत्र में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानसिक क्षेत्र भी, संवेगात्मक, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, CIET केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कब शुरू किया गया था, 1986 में, 1984 में, 1961 में, 1993 में, तो कब हुआ था दोस्तों, कब हुआ था शिक्षा नीति से पहले 1984 में, ठीक है। चलिए CIE तो आपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, CIE का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, C स्टैंड फॉर कंप्यूटर, A स्टैंड फॉर एसोसिएटेड और I स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन असिस्टेड, सॉरी हाँ, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये होगा आपका सही जवाब, बिल्कुल सही। अब आइए, व्यक्तिगत विभिन्नता का व्यू रचना है, द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कह लीजिए या वेरिएशंस के लिए, व्यू रचना क्या है, अनुवर्ग, भूमिका निर्वाह, अभिक्रमित या खोज रचना, सेक्शन रोल प्ले, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस या फिर सर्च होम डिज़ाइन। एक शब्द आपको याद आ रहा होगा कि आपने BEd में पढ़ा होगा, दैट इज़ व्हाट, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, अभिक्रमित अनुदेशंस, सो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, नेक्स्ट, रॉस ने शिक्षा को क्या माना है, रॉस और एडम्स दोनों ने एक ही चीज़ माना है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, जॉन डीवी ने दूसरा माना था, ठीक है। चलिए, समानांतर, पैरेलल वर्ब यानी कि द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। एडम्स ने भी माना था दोस्तों, याद रखिएगा, क्या माना था एडम्स ने, और रॉस ने क्या माना था, द्विमुखी माना था। त्रिमुखी किसने माना था, जॉन डीवी ने, ये सवाल तो आता ही आता है। मतलब कोई भी विश्वविद्यालय का MEd का एंट्रेंस एग्जाम देखेंगे ना तो जॉन डीवी से सवाल पूछता ही पूछता है, द्विमुखी त्रिमुखी सवाल पूछता ही पूछता है। हाँ जी, शैक्षिक नीति के बारे में, शैक्षिक नीति चरित्र का उचित विकास है किसने कहा था, एजुकेशन इज द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर, ये किसने कहा था, रूसो ने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था, हर्बर्ट ने कहा था या फिर प्लेटो ने कहा था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, कितने लोगों को लग रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर होंगे, किसने कहा था, इन्होंने कहा था, बिल्कुल सही जवाब होगा। शिक्षा क्या है भाई, ये देखो ये ऐसा सवाल है कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पुस्तक है, वस्तु है, व्यवसाय है या ज्ञान एवं अनुभव है, अभी तो कह रहे हो कि आप सर ज्ञान एवं अनुभव है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो इंटरनेट से आप सीखते हैं, ई लर्निंग होता है, वो किस पे असर करता है, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव पे, भावात्मक पे या फिर क्रियात्मक पे या ये सभी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ये सभी, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब भाई यहाँ पे दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, पिटमैन ने, बोल्ट ने, विल्सन ने या किसने की थी, किसने करी थी भाई, मुझे लगता है जर्मनी में किया था इन्होंने, दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत मुझे ध्यान नहीं आज के तक, इंडिया में तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से, मैं मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ, सॉरी मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं, हाँ लेकिन किया किसने था, किया था दोस्तों पिटमैन ने किया था, कब किया था, पिटमैन ने किया था। चलिए ये तो बड़ा आसान सा सवाल है दोस्तों, डाइट मतलब डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट, ई आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट, ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिस इज द परफेक्ट आंसर, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। चलिए, रिसर्च हैंडबुक तैयार की थी, किसने तैयार करी थी, तो भैया ऐसा है ना ये सवाल रिसर्च से पूछा है और इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी लोगों ने रिसर्च हैंडबुक तैयार की थी, ठीक है। चलिए अब आइए, हाँ जी,
पाठ्यक्रम में समाहित वातावरण है, करिकुलम इंक्लूड्स द एनवायरनमेंट, क्या करता है भाई, केवल एकेडमिक, केवल फिजिकल या केवल सोशल या सभी? तो आपका सही जवाब क्या लगता है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा केवल सही, सभी। चलो, पाठ्य सहगामी क्रिया यानी को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों वो क्यों कराई जाती है? क्लासरूम से रिलेटेड होता है या फिर पाठ्यक्रम से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड होता है या फिर कंप्लीट डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसमें जो है को करिकुलम एक्टिविटीज़ आप उपरोक्त सभी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली आपका आंसर होगा वो आपका को करिकुलम इसलिए रखा जाता है कि आपका शारीरिक संपूर्ण विकास हो सके, कंप्लीट डेवलपमेंट, और विश्वविद्यालय भी आपका इसी का सही उत्तर मानती है। पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या है? पाठ्यक्रम जब आप बनाते हैं तो किस आधार पर बनाते हैं? दर्शन, मनोविज्ञान, प्रवृत्ति या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, हाँ जी आगे आते हैं। हाँ, ये सवाल देखिए, ज्ञान एक गुण है, द नॉलेज इज वर्च्यू, ये बात किसने कही थी? प्लूटो ने, सुकरात ने, जॉन डेविड ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने कही थी? तो बिल्कुल एक महाशय, महान दार्शनिक विचारक सुकरात जी ने यह बात कही थी। किलपैट्रिक ने पाठ्यक्रम का एक दृष्टिकोण विकसित किया, कौन सा दृष्टिकोण विकसित किया? उद्देश्य केंद्रित, अनुभव केंद्रित, एकाकृत या विषय केंद्रित? ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, इंटीग्रेटेड या सब्जेक्ट सेंटर? इंटीग्रेटेड ऐसा होता है दोस्तों जिसमें कई दूसरे को मिला के बनाया जाता है, तो इसका यही जवाब सही जवाब हो जाएगा, इंटीग्रेटेड यानी कि एकाकृत, बिल्कुल सही। शिक्षण अधिगम में प्रबंधन का मुख्य कार्य है, मतलब टीचिंग में जो मैनेजमेंट होता है ना उसका क्या काम होता है? प्लानिंग। पोस्ट कब आप में से कितने को याद है? POSD CORB, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, इसमें से कितने लोगों को याद है? याद तो होना ही चाहिए, ये तो बड़ा आसान सा। योजना बनाना, प्लानिंग, नेतृत्व और संगठन करना, मैनेज करना और लीडरशिप करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, तो भैया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा। अगला देखिए, रॉबर्ट मेजर्स का दृष्टिकोण किस लिए प्रयुक्त होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। रॉबर्ट मेजर अप्रोच यूज फॉर अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक। एक और चीज़ याद कर लीजिए, रॉबर्ट मिलर का अगर पूछता है, रॉबर्ट मिलर MILLER, रॉबर्ट अगर मिलर आपसे पूछता है तो आप इसको साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट मेजर्स पूछ रहा है तो रॉबर्ट मेजर्स का कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव चलिए संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। करेक्ट, बहुत अच्छा। चलो, हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा। शिक्षक और अधिगमकर्ता, मतलब देखो टीचर और स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन दोनों का किस में रहता है? इक्वली रहता है। किस में रहता है? देखिए लेक्चर मेथड क्या होता है भाई, लेक्चर मेथड में टीचर आके लेक्चर लेके चला गया। प्रदर्शन में टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है, दिखा के आपको पढ़ाता है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है? सवाल पूछता है, बच्चे जवाब देते हैं। तो इसमें दोनों का इक्वली पार्टिसिपेशन होता है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, वर्तमान पाठ्यक्रम की प्रकृति, अभी जो करेंटली है, जब देखो जब हमारा 2020 का जब लागू हो जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली बाल केंद्रित हो जाएगा, लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों उद्देश्य केंद्रित। उद्देश्य केंद्रित का मतलब, बाल केंद्रित का मतलब, मान लीजिए किसी बच्चे की रुचि है कि वो मैथ के साथ, इंटर में मैथ के साथ वो सोशल स्टडी पढ़ना चाहता है, तो अब तक तो ऐसा ऑप्शन नहीं था, इस बार भी नहीं है कि वो मैथ के साथ सोशल स्टडी ले, नहीं, आपसे पूछा जाएगा आपको बनना क्या, आप साइंस हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप बायो में जाना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, तो वो क्या भाई, उद्देश्य केंद्रित है। ठीक है, लेकिन जब NEP लागू हो जाएगी तो आप ले सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट रहे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए उद्देश्य केंद्रित है। बहुत अच्छा। पाठ्यक्रम निर्माण आधारित है, किस पे आधारित है? शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा का इतिहास। देखिए शिक्षा का इतिहास पे तो नहीं है, पाठ्यक्रम जब आप निर्माण करते हैं तो शिक्षा का इतिहास पे नहीं है, तो इसीलिए उपरोक्त सभी होगा नहीं। इसकी जो परफेक्ट है दोस्तों, विश्वविद्यालय भी आपका मानता है, वो है शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए, हाँ मैं इसकी बात करता, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, सॉरी कब इस्टेब्लिश की गई? तो इसका सही जवाब होगा 1879, 69, 89, 78। तो सही जवाब आप में से अगर कोई बता सकता है तो वेल एंड गुड, वैसे कम चांस है, बट 1879 दोस्तों, 1879 में फर्स्ट टाइम हुआ था, कहाँ पे? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इंडिया में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ था, और यहाँ पे इंडिया में 1919 के आसपास हुआ था, मुझे ध्यान है 1919 ही, फ्रॉम नॉट रॉन्ग, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और जर्मनी में 1879 में हुआ था, पूरे दुनिया की बात करें तो।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान परीक्षण का गुण नहीं है? नहीं है दोस्तों, नहीं है। कौन सा है? स्टैंडर्डाइजेशन, रिपोर्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, आख्या, वैधता, विश्वसनीयता। तो नहीं की बात की जाती है दोस्तों, नहीं है आपका, रिपोर्ट यानी कि आख्या नहीं है। बहुत अच्छा। ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम्स के फाउंडर किसे माना जाता है? तो ऑब्जेक्टिव रॉ जॉर्ज फिलर, यहाँ पे फिशर की जगह पे एफ आई फिश फिलर फिशल फिशल लॉर्ड फिशल एफ आई एस एच ई एल जॉर्ज फिशर, मतलब यहाँ पे जॉर्ज फिशर आपको माना जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के बारे में। आप इसको एक बार सर्च करना, ठीक है। चलो, मापन के किस स्तर पर रो का प्रयोग किया जाता है? विच लेवल ऑफ मेजरमेंट रो यूज्ड? इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल रेशियो, अंतराल, क्रमिक, नामित, अनुपात। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्रमित। परफेक्ट। चलो, विद्यालयों में परीक्षण के गुण हैं, मतलब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट क्या है भाई? प्रशासन की सुगमता, अंकन में सुगमता, लागत, कॉस्ट इकोनॉमी। ये भी एक तो क्वालिटी होती है ना कि कितने में आप टेस्ट ले पा रहे हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यस्मरण पद है? प्रत्यस्मरण मतलब फॉलोइंग रिकॉल आइटम, रिकॉल आइटम कौन सा है दोस्तों? मतलब कोई ऐसा टेस्ट आप कराएं जिससे बच्चों को याद आ जाए। सत्य असत्य, मिलान, पूरित पद मतलब ना कंप्लीशन आइटम्स, गैप दे के उसको भराना, वर्गीकरण पद। तो यही है दोस्तों पूरित पद यानी कि कंप्लीटेशन आइटम्स। इससे बच्चों को रिकॉल होता है, याद हो जाता है, वो जो चीज़ें भूली होती हैं वो उनको दोबारा याद हो जाता है। बहुत अच्छा। एक परीक्षण के विभेदक मूल्य निम्न में से किस दशा में सर्वाधिक होंगे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ अ टेस्ट विल बी मैक्सिमम? जब कठिनाई 50% कठिन हो, जब 70% कठिन हो, जब कठिनाई बिल्कुल जीरो हो, जब कठिनाई 30% हो। देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल 50% हो, 70 हो, 0 हो, 30 हो। इसका सही जवाब जो आपका यूनिवर्सिटी बताती है अपने आंसर की में, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जब कठिनाई 15 स्तर पे हो, 15% पे हो। अब आइए, देर इज़ अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन इन द कम्प्लीशन टाइप्स आइटम बिकॉज स्टूडेंट है। पूर्णतः प्रकार के परीक्षण आइटम में अनुमान का बहुत कम अवसर होता है, क्योंकि दोस्तों दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना होता है, अपना स्वयं का उत्तर लिखना होता है, लंबे उत्तर नहीं लिख सकते, एक विशिष्ट उत्तर देना होता है। तो ये आंसर मुझे इतना भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये आपका सही जवाब होता है। चलिए, दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। आप भी चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में जी को बुद्धि का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थीरीज कंसिडर जी एज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस? गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, थर्स्टन या बीने के सिद्धांत में। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पीयरमैन। इसका क्या हो जाएगा भाई? स्पीयरमैन का सिद्धांत, ठीक है। चलिए, इस 150 के बाद आप थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, हालांकि मैं बना दूंगा वो नेक्स्ट 50 भी इसी वीडियो में, ताकि आपको इधर उधर कहीं जाना ना पड़े, बट आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व मापक नहीं है? ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, साइकोलॉजिकल टेक्निक, साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर सोशियोग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सोशियोग्राम, यानी कि समाजमिति। तो 150 हो गया, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, पानी पी लीजिए, आप भी पीजिए, फिर आते हैं 151 पे। ओके, चलिए, बिगिन वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 151, राइट। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रखने तथा सर्वोत्तम प्रकार किससे सेवा करने के योग्य बनाता है? यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो यह स्टेटमेंट कहा था दोस्तों जे एफ विल्स ने कहा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा था, डॉक्टर थॉम्स ने कहा था, या ग्राउट ने कहा था। तो ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जे एफ विलियम्स ने कहा था, यह कथन उनका है। ठीक है, चलिए, पूरे से दरवाजा बंद कर, डिस्टर्ब नहीं। ओके, नेक्स्ट। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? कल्याण की भावना, सेंस ऑफ वेलबींग, रोग का भाव, जब भाई रोग नहीं रहेगा तभी तो स्वस्थ रहेगा, साहस, दूसरों के साथ न मिलकर कार्य करने की योग्यता। तो ये नहीं होती है, ये योग्य नहीं होती है। विद्यालय भवन के लिए उचित स्थिति का चयन करते समय निम्नलिखित किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? जब भी आप एक स्कूल का सिलेक्शन कर रहे हैं तो साइट पर किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पास आस पड़ोस का, देखो रख सकते हैं, मिट्टी का, धरती स्थिति, जल का, वायु का या दिशा का।
तो देखो उपरोक्त सभी लग रहा है, मतलब मेरा आंसर यही रहेगा कि उपरोक्त सभी, लेकिन यूनिवर्सिटी आपका आंसर मानती है, वो यूनिवर्सिटी मानती है 125, ये वाला मानती है, मतलब 1 पास पड़ोस का, 2 मिट्टी का और 5 दिशा का। ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मुझे नहीं पता, मेरा तो ऑल ऑफ दिस लग रहा है, बट हाँ जो भी हो। हाँ देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आप पुस्तक को किस तरीके से रखेंगे, 45 डिग्री पे, 35 पे, 25 पे, 55 पे, कौन सा मतलब बेस्ट पोस्चर होता है, कैसे आपको रखना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज 45 डिग्री, द करेक्ट आंसर, करेक्ट। चलिए, युवा अवस्था में नींद, मतलब एक बच्चा अगर युवा अवस्था में है, यूथ है, यंग है, तो उसे कम से कम कितना सोना चाहिए, 7 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे। तो आपने सोना होगा कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। हाँ, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंदर क्या है, रिकेट्स होता है, बी सी डी ई, तो ये तो आसान सा सवाल था, करेक्ट। हाँ, विद्यालयों में मिड डे मील, मध्य भोजन योजना का प्रस्ताव कब रखा गया था, 1981, 1961, 1991, 1971, द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 1961, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1961, ठीक है, कब रखा था, 1961 में, ओके। हाँ, किस मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, मच्छर से, एडिस फीमेल से, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से, या मादा मॉस्क्यूटो से, मादा से तो फैलता है लेकिन एडिज मॉस्क्यूटो से, ठीक है। चलिए, डिप्थीरिया रोग का स्तर है, और टॉक्सीमिया, स्टेज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर फेलियर, ए और बी उपरोक्त सभी, तो यूनिवर्सिटी जो आपका आंसर मानती है दोस्तों, ए और बी दोनों। यहाँ पे थोड़े से बायोलॉजी के सवाल हैं, अभी आगे इंटरेस्टेड सवाल आएंगे और आगे आसान सवाल है। आँख से संबंधित कौन सा सहायक अंग नहीं है, ठीक है, कौन सा अंग नहीं है, आई लैशेस, कंजक्टिवा, या फिर लैक्रिमल एप्रोक्टिस, या वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशन दोस्तों आपका आँख से संबंधित अंग नहीं है, करेक्ट। हाँ, भारत में विद्यालय निरीक्षण प्रणाली को जन्म देने वाली कौन सी शिक्षा प्रणाली है, मतलब इंस्पेक्शंस की बात की जा रही है, स्कूल्स में इंस्पेक्शन सिस्टम को कौन से, कहाँ से मिला था, वैदिक काल, मुस्लिम काल, इनमें सभी, तो सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों वैदिक काल से, सही जवाब क्या जाएगा, सॉरी नॉट वैदिक, ब्रिटिश एजुकेशन से। अब देखिए, ये कथन है दोस्तों, सामान्य रूप से परिनिरीक्षण एक विशेष प्राविधिक सेवा है जो मुख्य रूप से उन दशाओं के अध्ययन एवं सुधार से संबंधित है जो कि छात्र के विकास तथा सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित के उद्देश्य में प्रयोग में लाई जाती है, इतना बड़ा है, तो ये किसने कहा था, ये बिल्कुल वही रटने वाली बात हो गई, तो इसको कहा था दोस्तों, इसको कहा था बार एन आदर्श ने, बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बार एन आदर्श ने कहा था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षण का सिद्धांत नहीं है, सुपरविजन्स का सिद्धांत नहीं है, नीतियों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, नियमों के आधार पर, विद्यार्थियों के आधार पर, तो सही जवाब जो आपका विश्वविद्यालय मानता है वो है विद्यार्थियों के आधार पर। पर्यवेक्षण की विधियां हैं, प्रदर्शनी विधि हैं, आपको पता होगा, दर्शन विधि, सामूहिक चर्चा, उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा। हाँ जी, शैक्षिक प्रबंधन के पहलू हैं, मतलब व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, मानव का प्रबंधन करना, मतलब मैनेजमेंट, इंसानों का मैनेज करना, पैसा, मशीन, मटेरियल और मेथड, इन सब का प्रबंधन करना दोस्तों, देखिए जो मैनेजमेंट होता है वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, बहुत अच्छा। देखिए, विद्यालय को होना चाहिए, मतलब एक विद्यालय कैसा होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक केंद्र, मतलब सबके लिए होना चाहिए, ठीक है, या फिर व्यावसायिक केंद्र, मतलब पैसे के लिए होना चाहिए, आर्थिक केंद्र होना चाहिए, या स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, तो इसका सही जवाब आपको भी सबको बताए आसानी से दे सकते हैं आप, एक सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, चलिए, सामुदायिक केंद्र मतलब जहाँ पे सबके आने की अनुमति है, वास्तव में यही विद्यालय की खूबसूरती है। विद्यालय प्रबंधन किस आधार पर होना चाहिए, प्रबंधन जो है वो किस, ये भी उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि स्कूल मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करना चाहिए, किस पे डील करना चाहिए, ऑटोक्रेसी, एकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, लोकशाही, हस्तक्षेप नीति, तो आप सबको पता है कि डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, बहुत अच्छा। प्रबंधन का आधुनिक सिद्धांत, ठीक है, द मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट, मैकग्रा का प्रबंधन सिद्धांत, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मतलब याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी, हाँ जी।
प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या होते हैं दोस्तों, प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्लानिंग करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, बजट बनाना, नियंत्रण करना। क्या कह रहे हैं कि कौन सा कार्य है? तो सभी तो हैं, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। हाँ जी, देखिए किसी को रिवॉर्ड देने का क्या पर्पस होता है, प्रदान करने का क्या उद्देश्य होता है, पर्पस ऑफ गिविंग रिवॉर्ड। आप किसी बच्चे को रिवॉर्ड क्यों देते हैं? ताकि वो जो अच्छा कार्य कर रहा है, वो जो गुड कंडक्ट है उसका, वो रेगुलर करता है और पंक्चुअल आता रहे, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करे, या स्कूल मिलाकर श्रेष्ठ प्रदान करे, या सभी। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसलिए आप बच्चों को प्राइज देते हैं, इनाम देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, मतलब प्राथमिक शिक्षा वैदिक काल में कहाँ दी जाती थी, इसकी व्यवस्था कहाँ होती थी? टोला, घटिक, चारण या फिर परिवार में। कहाँ पर दोस्तों? परिवार में। ओके, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में बच्चे जो पढ़ते थे, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? शारीरिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, ज्ञान वृद्धि, ये सब के सब था, लेकिन मुख्य क्या था दोस्तों? स्पिरिचुअल एजुकेशन, मतलब भगवान को प्राप्त करना, आध्यात्मिक शिक्षा क्या था? मुख्य उद्देश्य था। विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय, बहुत ही फेमस सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, गर्व की बात है। विश्व की बात करें तो विक्रमशील, बल्लभी, नालंदा, तो तक्षशिला पूरे वर्ल्ड का। चलिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का साक्षरता, मतलब लिटरेसी परसेंटेज कितना था 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में? 5, 6, 7, 10। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 7% था। देखिए, बुद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान का, शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? मेडिकल एजुकेशन सबसे ज़्यादा कहाँ दी जाती थी? बौद्धिक काल में। वो दी जाती थी आपके तक्षशिला में ही दी जाती थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही दी जाती थी, ठीक है। चलिए, 1854 शिक्षा नीति किसने तैयार की थी? 1854 आज़ादी से पहले, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने ही इसकी शिक्षा नीति तैयार की थी। चलिए, माध्यमिक स्तर को ए और बी वर्ग में किसने अलग अलग करने का सुझाव दिया था? वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, वुड एम रॉबर्ट रिपोर्ट, मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन तो दोस्तों आज़ादी के बाद का कमीशन है, ठीक है। हंटर कमीशन ने दिया था, किसने दिया था? हंटर कमीशन ने दिया था। चलिए, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? हु इस्टैब्लिश द सेंट्रल एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। भारत का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कमेंट में अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बता दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो चार्ल्स वुड ने कहा था दोस्तों, चार्ल्स वुड से रिलेटेड मेरा सवाल था, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। चलिए, वुड एवं एबर्ट रिपोर्ट कितने प्रकार की व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने का सुझाव दिया था? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करने की बात की थी किसने दोस्तों? वुड ने, वुड एवं एबॉट रिपोर्ट ने कितनी कही? तो दो प्रकार के। कितने दोस्तों? दो प्रकार के। चलिए, हाँ, याद देखिए, शिक्षा का आरटी एक्ट की बात की जाती है दोस्तों, आरटी एक्ट कब पारित किया गया था? 8 में, 9 में, 11 में, 10 में। लागू कब किया था? लागू तो जुलाई 2010 में किया गया था। पारित की बात की जा रही है दोस्तों, पारित कब किया गया था दोस्तों? पारित आपका, इसीलिए तो आरटी एक्ट 2009 कहा जाता है। भारत के हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचांक एयर क्वालिटी इंडेक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा गैस इंक्लूडेड नहीं था? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये नहीं था, CFCs ये नहीं था। चलिए, किस देश के में प्रति व्यक्ति जल, किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? मतलब अगर प्रति व्यक्ति जल यूजर्स की बात करें तो किस देश में सबसे ज़्यादा है? अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, चीन में, या भारत में? दोस्तों अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। हाँ जी, अब कह रहा है कि राष्ट्रीय निर्धारित अवधान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन और वृक्ष स्थापित के माध्यम से वर्ष 2030 तक किस सीमा तक अतिरिक्त कार्बन को करने का प्रस्ताव है? तो बिल्कुल ये GS का सवाल है, इसका ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा सवाल है कि आपने पढ़ा, BEd में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। हाँ जी, चक्रवात हुदूद अभी आया था, ठीक है, तो वो किस राज्य से टकराया था दोस्तों? आंध्रा, कर्नाटका, केरल या गुजरात? किससे था? आंध्रा से टकराया था। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस प्रदूषण के कारण मानव में कैंसर हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस, कीटनाशक, ओजोन, सीसा या पारा? तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपको लगता है सही जवाब हो जाएगा सीसा, तो बिल्कुल सही है आप, सीसा इसका सही जवाब होगा, लीड, ठीक है। चलिए, हाँ जी, शहरी क्षेत्र के एक ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिसे मनुष्य की आंखें और श्वसन में जलन होती है। आइडेंटिफाई द एयर पोल्यूशन इन अर्बन, ठीक है, जिससे क्या होता है? आंखों में दिक्कत आती है
और रेसिप्रोकेटेड ट्रैक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और उसके सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कौन सी है भाई? हाँ जी, पर्टिकुलर मैटर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सतही ओजन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपको सही पता हो तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ जी, चलिए कुछ और सवाल रह गए हैं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त होगी। क्योटा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? क्योटा प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, ओजोन घटने पर, और हाजार्डस वेस्टेड्स, जलवायु परिवर्तन, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। हाँ जी, अब ये तो बड़ा सा सवाल है कि चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, तो ये होंगे नहीं। राजनाथ सिंह तो रक्षा मंत्री, तो नरेंद्र मोदी जिसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। चलिए अब देखिए, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ नारा दिया गया था। ये क्यों दिया गया था? कि अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड, मतलब जितने बच्चे उतने पेड़ आपको लगाइए। क्यों दिया गया था? सामाजिक वन कार्यक्रम, स्वच्छ वायु, भूमि संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। तो किस लिए दिया गया था? पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दिया गया था। 10 सवाल और रह गए, लास्ट 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ मीथेन, वेटलैंड, फोम उद्योग, तापीय विद्युत थर्मल पावर प्लांट या फिर सीमेंट इंडस्ट्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वेटलैंड। लास्ट 9 क्वेश्चन, बी रेडी। एक अच्छे शोध, मतलब अगर कोई रिसर्च लिखता है दोस्तों, तो रिसर्च के थीसिस की सबसे अच्छी बात क्या है? विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरण अशुद्धियाँ, अरे व्याकरण अशुद्धियाँ, हाँ मतलब कम गलतियाँ हों। चलो सही है, पहला है। समुद्रों का संविधान पूर्वक जांच, शोध प्रबंधन में निरंतरता, स्पष्ट, हाँ सब है भाई, सब है, 1, 2, 3, 4 सब है करेक्ट, सब है। सैम्पलिंग केसेस, देखो ये जो रिसर्च के सवाल है ना, ये बिल्कुल आपके एमएड का है, मतलब बीएड का है ही नहीं। एमएड में एक पेपर होता है आपका, रिसर्च पढ़ना होता है, उसी से सवाल है। सैम्पलिंग केसेस का आशय है, सैम्पलिंग किसको कहते हैं पता है आपको? जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो मान लीजिए आपका पॉपुलेशन मतलब आपके 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में आपको रिसर्च करना है। तो उनमें से जिन 20 बच्चों का आप डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तो उन्हीं 20 बच्चे सैंपल होंगे, उसी प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। तो सैम्पलिंग में सैम्पलिंग ढांचे का प्रयोग, शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान, लिटरेसी रिसर्च, ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। लोक समाचार पत्र टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग, ठीक है। एक शोधकर्ता है, मतलब एक रिसर्चर है, वो बच्चों की एंजाइटी प्रोनेस को चेक करता है। तो कौन सी विधि इसके लिए बेस्ट है, ठीक है, कौन सी विधि? केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब मान लीजिए किसी बच्चे की हिस्ट्री और उसके केस स्टडी को आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल मतलब आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड सर्वे मेथड, मतलब लोगों से आप सर्वे किया। विश्वविद्यालय आपको इसका सही आंसर मानता है, ठीक है। चलिए, एक रिसर्चर है जो शहर क्षेत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप प्रोस्पेक्ट्स कर रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको किसको वरीयता देनी चाहिए, किसको उसको प्रेफर करना चाहिए? निर्धारण में अपनी साक्षात्कार प्रश्नावली अनुसूची। तो दोस्तों इसका हो जाएगा क्वेश्चन आयर इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें, क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछे, क्वेश्चन आयर इसका सही जवाब। लास्ट 5 क्वेश्चन दोस्तों, कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च में क्या स्टेप फॉलो किया जाता है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसार कोई भी प्रॉब्लम हो तो साइंटिफिक सोल्यूशन के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, फिर उसको लागू करेंगे, एक्ट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, फिर आप ध्यान देंगे कि बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, उस पर कोई रिजल्ट निकालेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, विमर्श करेंगे। सो द बी वुड बी योर राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, शोध है मतलब रिसर्च क्या है? बार बार किसी को खोजना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढना। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढना। शून्य परिकल्पना, ये बिल्कुल मैथ एमएड का सवाल आपसे पूछ रहा है। नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? नल हाइपोथेसिस कहते हैं जब दो वेरिएबल्स में एक के बढ़ने या घटने से दूसरे पे फर्क ना पड़े, तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस इसको कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एमएड का सवाल आपसे पूछ रहा है। जब चरों के बीच में कोई भिन्नता ना हो, कोई भिन्नता ना हो, समानता ना हो या कोई संबंध ना हो, शोध परिकल्पना के समान ये सब नहीं होगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि फ्रेश खाना और आपके हेल्थी होने में एक रिलेशन है, ठीक है। आप जितना फ्रेश खाना खाएंगे उतने ज़्यादा आप हेल्थी रहेंगे, तो ये हो गया
एक्सरसाइज करने और हेल्दी होने में एक रिलेशन है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो ये एक नल हाइपोथेसिस नहीं हुआ। नल हाइपोथेसिस का मतलब मान लीजिए मैं आपसे कह दूँ कि अमीर होना, अमीर होने में और हेल्दी होने में क्या, तो कोई ज़रूरी कि जो ज़्यादा अमीर है वही ज़्यादा हेल्दी है या कोई गरीब है वही हेल्दी है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं दिखाता है, ठीक है। एक्सरसाइज, फ्रेश फूड, ये सब दिखाता है। अब ये मान लीजिए अमीर होने में और एकेडमिक परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन नहीं कि जो अमीर है वही ज़्यादा नंबर पाएगा वही अच्छा, इसमें कोई रिलेशन नहीं। तो ये क्या है, नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है ना, आप किसी परिकल्पना करते हैं, जब आप कोई रिसर्च करने जाते हैं तो उससे पहले आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उस हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स होते हैं, अगर उन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं तो नल हाइपोथेसिस। एमएड की चीज़ है, एमएड का सवाल आपको बीएड में, मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल देखे जो एमएड के आपके बीएड में डाला है। एक कार्यशैली होती है, एक वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में आप क्या करते हैं, तो किसी विषय पर आप डिस्कस करते हैं या फिर किसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए बैठते हैं। एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का वो क्लासरूम होता है, बेस्ट ऑप्शन ये होगा दोस्तों, कहने का मतलब एक छोटा सा ग्रुप, गहन पाठ्यक्रम, एक कोर्स स्मॉल ग्रुप, जिसमें आप क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्किल और टेक्निक फॉर सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, स्किल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, विकास करते हैं, डेवलप करते हैं। थेसिस, चित्र एवं तालिकाएं, जब आप कोई बच्चा रिसर्च करता है, थेसिस पेपर लिखता है, तो उसमें जो फिगर्स होते हैं और उसमें जो टेबल्स होते हैं वो कहाँ इंक्लूड करते हैं, अलग चैप्टर में, बिल्कुल नहीं, परिष्ठ में नहीं, अलग में नहीं, अंतिम में नहीं, मूल पाठ में ही, जो आपका मेन लेसन होगा ना, फंडामेंटल लेसन, उसी में आपको ऐड करना होता है। चलिए लास्ट सवाल है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद द एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, शोध प्रबंधन, गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकी, शोध के समग्र परिभाषित, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग में, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग में, तो यहाँ से संबंधित है। अब देखिए दोनों वीडियोस हो गए, अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बस बात करना चाहता हूँ। चलिए, हाँ जी, तो अब देखिए 200 सवाल आपने इससे देखा, पहले वीडियो में 100 देखा होगा, दूसरे वीडियो में 100 देखा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जान जाइए, कट ऑफ जो आपका जाता है दोस्तों, मैक्सिमम आपका 125 मान लीजिए, मतलब समझ रहे हैं, 75 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो एमएड से पूछे गए थे, यहाँ तक कि बहुत अच्छे लेवल का आपका जीएस पूछा गया था, तो आपको इतना घबराना नहीं है। कम से कम आपके 100 सवाल तो ऐसे होंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं, बीएड आपने अच्छे ध्यान से पढ़ा होगा तो 20-25 सवाल वहाँ से आप कर लेंगे, तो घबराइएगा मत, आप आराम से करके आइए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्वेश्चन सारा करिए, और अगर आपका 100-105 तक भी आ जाता है तो ये कहन मानिए बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो उसमें मत घबराइए, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ये पीडीएफ आप हमसे ले लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मैं दे दूंगा बिना किसी पैसे, मैं तो पैसे की बात ही नहीं करता। इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कहीं मैसेज करिए, ईमेल आईडी मुझे दीजिए, मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगा। पीडीएफ ले लीजिए, पढ़िए आराम से, मन लगाइए, ध्यान से पढ़िए, मेरी तरफ से जो सहायता होगी मैं आपको करूँगा। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और क्या ही चाहिए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं जुड़े हैं चैनल से तो, और अपने नए दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। एमएड बहुत कम ही बच्चे देखते हैं, तो अच्छा होगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए, अच्छे से देख के आइए, फिर हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।